घर बैठे फैसल बैंक का फ्रीलांसर अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री यानी कि आपको इसके लिए एक रुपया भी अदा नहीं करना दीगर बैंकों की नैसल बैंक को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा अलमकुम मेरा नाम बिलावल हसन है आप देख रहे हैं डिजाइन यहाँ घर बैठे आप फैसल बैंक का डिजिटल फ्रीलांसर अकाउंट ओपन कर सकते हैं इसके लिए आपको किसी भी बैंक में जाके लंबी लंबी कितारों में लगने की ज़रूरत नहीं होगी बल्कि सारा का सारा प्रोसेस घर बैठ के अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से आप लोग कर सकते हैं इवन आप बायोमेट्रिक भी घर बैठे फैसल बैंक की ऐप से करवा सकते हैं और भी बहुत सारे बैंक पाकिस्तान के अंदर फिलानसर अकाउंट ऑफर कर रहे हैं जिसके अंदर मिज़ान बैंक है बैंक अलफला है एच है बाकी और बहुत सारे बैंक हैं जिसके अंदर आप एज़ अ फ्रीलानसर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं लेकिन मैं आप लोगों को फैसल बैंक क्यों प्रेफर करूँ इसका एक मेन रीज़न तो ये है कि आप इसके अंदर जितने मर्जी चाहें कम अज़ कम डॉलर जो है वो निकलवा सकते हैं विदड्रॉ करवा सकते हैं इसमें कोई लिमिट नहीं है जबकि जो दूसरे बैंक हैं मिज़ान बैंक हो गया एस हो गया उसके अंदर आप कम अज़ कम वन हंड्रेड डॉलर आप निकलवा सकते हैं उससे कम अगर आपके अकाउंट में बैलेंस होगा तो आप उसको आप विड्रा नहीं कर सकते एक और इसकी वजह यह है कि फैसल बैंक का जो इंटरफेस है वो बहुत ही आसान है आपको फैसल बैंक की ऐप के अंदर ही पे का ऑप्शन मिल जाता है यानी कि आपको अलग से पेनियर की ऐप इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी आपको उसी फैसल बैंक की ऐप के अंदर ही आपको ऑप्शन मिलेगा जिसके ज़रिए आप अपने पे का फर्स्ट टाइम आपने जो अकाउंट है पे का वो आपने लिंक करना है उसके बाद आप जब भी ऑप्शन उप, पर क्लिक करेंगे के पे के ऑप्शन पर तो आप वहाँ से जितने मर्ज़ी चाहे डॉलर हो या पाउंड हो या कोई भी करेंसी हो उसको आप इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने पी के आर अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफ़र करने के बाद यानी कि विड्रॉ करने के बाद आप उसको जिस मर्ज़ी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसको एटीएम के जरिए कैश की फॉर्म में निकलवा सकते हैं या आप उसको दीगर जो मकासद होते हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अब देखते हैं कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो सबसे पहले आपको अपना सी एन आई सी चाहिए होगा आपकी एज अठारह साल से ऊपर होनी चाहिए और आपका सी एन आई सी बना हुआ होना चाहिए तो एक आपने सी एन आई सी अपलोड करना है इसके अलावा आप जो फ़ोन नंबर जहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर वो भी आपके सी एन आई सी के ऊपर रजिस्टर होना चाहिए ये भी एक शर्त है जितने भी आप फ्रीलांसर अकाउंट ओपन करेंगे जितने भी बैंकों के तो उसमें आप जो फ़ोन नंबर ऐड करेंगे ये शर्त है कि वो फ़ोन नंबर आपके अपने सी एन के ऊपर होना चाहिए इसके अलावा आपको सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ देना पड़ेगा कि आपकी जो इनकम है वो कहाँ से आ रही है तो जो फ्रीलांसर होते हैं आप लोग फाइबर की जो स्टेटमेंट है वो आप डाउनलोड करके वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं या फिर इसके अलावा आप अपवर का जो सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग होता है वो आप वहाँ से डाउनलोड करके और अटैच कर सकते हैं जिससे आपने अपना सिग्नेचर अपलोड करने हैं एक रफ़ पेपर के ऊपर वाइट पेपर के ऊपर अपने सिग्नेचर करें कैमरे से उसकी पिक्चर लें और यहाँ पे उसको अपलोड कर दें इसके बाद आपको अपना एक लाइव फोटो या सेल्फी लेके अपलोड करनी पड़ेगी और आपको एंड पे बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी अब बायोमेट्रिक करवाने के लिए इनकी एप्लीकेशन है फैसल बैंक की आपने फैसल बुराक ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है उसके थ्रू आपका जो बायोमेट्रिक है वो हो जाएगी यानी कि आपको ब्रांच में बिल्कुल भी नहीं जाना अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो हम देखते हैं कि फैसल बैंक का अकाउंट किस तरह से ओपन करना है सबसे पहले आपने गूल कॉलम में जाना है यहाँ पर जाकर लिखना है फैसल बैंक फ्रीलांसर अकाउंट तो पहले नंबर पर जो लिखा हो रहा है फैसल इस्लामिक बुराग डिजिटल फिलानशियल अकाउंट काफ़ी लंबा नाम लिखा हुआ है इसको आपने ओपन कर लेना है दैन इसलिए विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ से आपने अप्लाई नाव पर क्लिक कर देना है यहाँ अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे और फ़ोन नंबर आपके सी के ऊपर रजिस्टर होना लाजमी है आई एम नाटर बोर्ड पर क्लिक करेंगे दैन लॉग इन क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक एर शो हो सकता है कि अपनी लोकेशन ऑन करें तो अगर आप लैपटॉप से इस्तेमाल करें तो आपने क्या करना है यहाँ अपने जगह पर क्लिक करना है और लोकेशन को ऑन कर देना है अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपने मोबाइल की लोकेशन को ऑन कर लेना है इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करेंगे रिफ्रेश करने के बाद आपने दोबारा से फ़ोन नंबर लगाना है आई एम नाटर रोबोट पर क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है आपके फ़ोन नंबर के ऊपर वेरीफिकेशन कोड आएगा यहाँ पर अपने वेरीफ़िकेशन कोड लगा देना है और कॉन्टिन्यू पर क्लिक कर दें दिन जो अगला ऑप्शन होगा वो सी एन ए सी को स्कैन करने का होगा तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं इसको आपने पढ़ लेना है यहाँ से आपने आई कन्फर्म पर क्लिक कर देना है और स्कैन आई डी कार्ड पर क्लिक कर दें यहाँ से आपका कैमरा ऑन हो जाएगा तो अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो अपने लैपटॉप के कैमरे के सामने अपना आई कार्ड प्लेस करना है और अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो अपने मोबाइल के कैमरे के सामने अपना आई कार्ड रखना है मोबाइल कैमरे को वहाँ पे कुछ देर के लिए होल्ड रखना है तो वहाँ आपका जो कार्ड है वो ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगा अगर आपका कार्ड उसने स्कैन नहीं होता अगर आपके कैमरा में कोई मसला है या आपका कार्ड स्कैन नहीं हो रहा तो आपको कुछ देर बाद जो ऑप्शन दे देगा कि आप मेनुअली अपना आईडी कार्ड की पिक्चर फ्रंट और बैक की अपलोड कर सकते हैं यहाँ से आपने फ्रंट की पिक्चर अपलोड कर देनी है और देन आपने बैक साइड की पिक्चर लेके कर यहाँ पर अपलोड कर देनी है स्कैन आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे ये ध्यान रखना है जब आईडी कार्ड अपलोड करेंगे तो उसमें कोई साइडों पे एरिया खाली ना बचा हो यानी कि पूरा पूरा आईडी कार्ड्स में नज़र आना चाहिए कोई एरिया कटा हुआ भी ना हो और कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी ना हो सिर्फ सिर्फ आपका आई कार्ड ही शो होना चाहिए उसके अंदर जब आपका आई डी कार्ड स्कैन हो जाएगा तो ये आटोमेटिकली वहाँ से इन्फार्मेसन पिक कर लेगा यहाँ आपका सी एन हुआ आ जाएगा यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ आई डी कार्ड की एक्सपायरी डेट इशुंस डेट ये सारा सारा डाटा ऑटोमेटिकली आई डी कार्ड में से पिक कर लेगा यहाँ अपना ख़ुद से कुछ भी नहीं लिखना यह आप चेक कर लें कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये आई डी कार्ड के साथ से बिल्कुल मैच कर रही है अगर तो मैच नहीं कर रही तो आपको दोबारा से आई डी कार्ड स्कैन करना पड़ेगा देन आपने कॉन्टिन्यू पर क्लिक करना है नेक्स्ट टाइम में आपसे लाइव सेल्फी ली जाएगी आपने अगेन अपना कैमरा ऑन रखना है या कैमरे की एक्सेस इनको आप लाजमी देनी है कैमरे के सामने अपने चेहरे वारे को लेके आएंगे कोशिश करनी है कि जो कैमरा है आपके जो फेस है वो कैमरे के करीब होना चाहिए ज़्यादा दूर होगा तो ये उस तरीके से स्कैन नहीं कर पाएगा या कैप्चर नहीं कर पाएगा यहाँ आपने कैप्चर पर क्लिक करना है आपकी पिक्चर ली जाएगी इसको चेक कर लें अगर तो ठीक है तो ओके कर देना है अगर सही नहीं है तो आपने रीटेक पे क्लिक कर देना है पिक्चर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो पूछ रहा है कि नेचर ऑफ अकाउंट तो यहाँ से आपने इंडिविजुअल पे क्लिक करना है टाइप ऑफ अकाउंट के दो तरह के होते हैं सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट तो आपने करंट अकाउंट पर क्लिक कर देना है कॉन्टिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ से पूछ रहा है कि आपने कौन सा अकाउंट ओपन करवाना है तो आपने चूज़ करना है बुराक डिजिटल फ्रीलैंसर अकाउंट इसमें दो तरह के ऑप्शन है या तो आप पी के अंदर यानी कि पाकिस्तानी करेंसी में भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या अगर आप चाहें तो यू के अंदर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अगर यू में करवाएंगे तो आपके जो अमाउंट है वो यू के अंदर ही रहेगी यहाँ से पी के आर चूज़ कर रहा हूँ हमें पाकिस्तानी करेंसी में ओपन करवाना है कॉन्टिन्यू पर क्लिक करेंगे पहला ऑप्शन है परपज ऑफ अकाउंट जहाँ तो पर आप सेलेक्ट कर लें बिजनेस ट्रांजेक्शन देन अपना सिटी चूज़ करना है अगले ऑप्शन में बता रहा है कि उस सिटी के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज हैं फैसल बैंक की तो जो करीब तीन ब्रांच होगी आपने वो वाले चूज़ कर लेनी है कॉन्टिन्यू क्लिक करेंगे अगले ऑप्शन में प्लेस ऑफ बर्थ क्या आप, आपकी जो जय पैदाइश है वो यहाँ पे एंटर करेंगे कंट्री पाकिस्तान आ जाएगा फादर नेम या हस्बैंड नेम ऐड करेंगे सी एन आई के मुताबिक नीचे आपका रिलेशन चूज़ करना है कि इनका रिलेशन आपके साथ क्या है मदर का नेम आ जाएगा यहाँ पे दो ऑप्शन है डेबिट कार्ड या चेक बुक आपकी मर्जी है डेबिट कार्ड लेना चाहें चेक बुक लेना चाहें आप ले सकते हैं डेबिट कार्ड मैं रिकमेंड करूँगी आप लाजमी चूज़ करें और डेबिट कार्ड अपना चूज़ वो वाला करना है जो कि वीज़ा कार्ड हो या फिर मास्टर कार्ड हो पे पाक वाला कार्ड जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा तो आप कोशिश करें कि आप आ, मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड ही अप्लाई करें क्योंकि अगर आपने इंटरनेशनल कोई पेमेंट करनी है उसके ज़रिए आप वो पेमेंट भी कर सकते हैं और ए से पैसे निकलाना चाहिए वो भी आप निकलवा सकते हैं तो ये रीज़न पूछ रहे हैं कि आपने पे पाक वाला डेबिट कार्ड क्यों नहीं सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पर बता दें कि हमने जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करनी है यहाँ मैं लिख दिया ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शनस हम ये पे पाल वाला कार्ड नहीं ले रहे हमें वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड चाहिए नीचे ये ई स्टेटमेंट है यानी कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है वो आपने लेनी है या नहीं लेनी आपको ई के थ्रू आपको स्टेटमेंट मिल जाया करेगी वो स्टेटमेंट आपको चाहिए तो आप ये पे क्लिक कर दें फिर पूछेगा कि आपको स्टेटमेंट जो है वो आपको मंथली चाहिए या डेली चाहिए, चाहिए या वीकली चाहिए तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं देन एसएमएस प्लान है इसको मैंने मंथली पे क्लिक किया है एसएमएस आते हैं आपको कोई ट्रांजैक्शन हो या कोई तरीके से तो आपको एसएमएस आ जाते हैं तो बेहतर है कि इसको आप ऑन रखें एस एम एस वाली सर्विस लाजमी हासिल करें नीचे अपना ई मेल एड्रेस लिखेंगे इस कार्ड डिक्लेरेशन का कॉलम है इसको आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं नीचे प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन है अगर आप फ्री लेंसर हैं तो आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल पर क्लिक कर दें अगर आप इसके अलावा कोई और काम करते हैं तो वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं उस पर अपना एड्रेस लिखेंगे जो एड्रेस आपके आई डी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ वो भी सेम यहाँ पर लिखना है आपने जो भी आपकी स्टेट बनती है पंजाब सीनलोचिस यहाँ पर आपने वो ऐड कर देनी है अपना सिटी चूज़ करेंगे जिप कोड लिखेंगे जिप कोड आपको गूगल से मिल जाएगा अपने इलाके का नाम लिखें आगे लिखें जिप कोड तो आपको जिप कोड मिल जाएगा इसको हम पोस्टल कोड भी बोलते हैं नीचे कंट्री आ जाएगा कंट्री आपने पाकिस्तान चूज़ कर लेना है लैंड नंबर जो है वो ऑप्शनल है इसको आप छोड़ सकते हैं अगर आपका मुश्किल पता और आर्जी पता अलग अलग है तो आप इसको ऑन करके अपना दूसरा एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपने सोर्स ऑफ इनकम का डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने हैं तो डॉक्यूमेंट टाइप में मैं चूज़ कर रहा हूँ अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ से हम अपनी फाइबर की स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं या अगर आप चाहें तो अपनी अपवर की स्टेटमेंट या अपवर का जो सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग है उसको भी आप डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं नीचे आपने आई आईर बाय इस पर क्लिक कर देना है नीचे प्रूफ ऑफ प्रोफेशन है इसके अंदर आप बिजनेस प्रोपराइटर लेटर हेड वाला ऑप्शन चूज़ कर लें और इसके अंदर आप वही डॉक्यूमेंट जो आपने ऊपर अपलोड किया था यहाँ पे वही सेम अपलोड कर सकते हैं या अगर आपके पास कोई अलग से डॉक्यूमेंट है अगर आपको बिजनेस करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं आई ईयर बाय पे क्लिक करेंगे नीचे आपने अपना सिग्नेचर अपलोड करने हैं एक रफ पेपर के ऊपर वाइट पेपर के ऊपर अपने सिग्नेचर करें कैमरे से उसकी पिक्चर लें और यहाँ पर उसको अपलोड कर दें अटैच पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर दें देन कॉन्टिन्यू पर क्लिक करेंगे ये जो ऑप्शन है ये जो भी आप बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे उसमें आपसे पूछा जाता है कि कहीं आप यू के रेजिडेंट तो नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दें सब पे इसको एक तरफ़ पढ़ लीजिएगा सब पे आप नो पे क्लिक करना है अगर आपके पास यू की नेशनलिटी है तो फिर आपको यस पे क्लिक करना पड़ेगा अगर नहीं है तो आप यहाँ से आपने नो पे क्लिक कर देना है आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और कॉन्टिन्यू पर क्लिक कर देना है दैन ये आपसे टैक्स के वाले से इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं यहाँ से आपने कंट्री पाकिस्तान चूज़ कर लेना है ये पूछ रहा है कि आपके पास कोई टीन नंबर है यानी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है अगर आप फाइलर हैं आपका एनटिन बना हुआ है जहाँ पर आप वो नंबर लिख सकते हैं अगर नहीं है तो यहाँ पर आपने नो पे क्लिक कर देना है जब नो पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपका जो एंटीन है वो क्यों नहीं बना हुआ तो यहाँ से अपने हिसाब से अपना रीज़न चूज़ कर सकते हैं रीज़न चूज़ करने के बाद यहाँ से मैंने सी पे क्लिक किया है अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच करता है यहाँ पे वो अपना अटैच करना है कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे देन आपने आई कन्फर्म हिसाब पे चेक लगा देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है अगला जो स्टेप है वो आपसे बायोमेट्रिक के बारे में कहा जा रहा है अब बायोमेट्रिक के लिए आपको फैसल बैंक की जो ऐप है फैसल बुराक याद रखें फैसल बैंक की दो अपलिकेशन अलग अलग हैं एक जो एप्लीकेशन जो हम नॉर्मल पर्पज़ पर इस्तेमाल करते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन करनी हो या कोई भी पेमेंट करनी हो तो उसके लिए जो फैसल बैंक की एप्लीकेशन है वो है फैसल डिजी बैंक और जो फैसल बैंक की बायोमेट्रिक के लिए वेरिफिकेशन के लिए जो ऐप है उसका नाम है फैसल बुराक आपने फैसल बुराक की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है पहले जब आप फैसल बैंक की बुराक ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे आपने उसको ओपन करना है और वहाँ आपने फ़ोन नंबर एंटर करना है आगे जो प्रोसेस होगा वो सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वहाँ पर ऑटोमेटिकली कम्प्लीट आपको नजर आएंगे आपने आखिरी टाइम में चला जाना है वहाँ से आपने बायोमेट्रिक पे क्लिक कर देना है स्टार्ट बायोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे ताकि मोबाइल कैमरा ऑन हो जाएगा आपने दोनों हाथों को बारी बारी उस कैमरे में दिखाना है जहाँ से आपके फिंगरप्रिंट स्कैन हो जाएंगे सक्सेसफुली स्कैन होने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी आपको बैंक की तरफ से कॉल आएगी वेरिफिकेशन की जाएगी डाटा आपका वेरीफ़ाई किया जाएगा सक्सेसफुली वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक अकाउंट नंबर मिल जाएगा अकाउंट नंबर मिलने के बाद अपना क्या करना है प्ले स्टोर से फैसल बैंक की फैसल डिजी बैंक ऐप इंस्टॉल कर लेनी है उस ऐप के अंदर आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आप रजिस्टर पर क्लिक करना है अपना बैंक अकाउंट नंबर लगाएंगे पासवर्ड वगैरह लगा के आपका अकाउंट बन जाएगा देन उस ऐप के थ्रू आप जितनी मर्जी चाहें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आपको वहाँ पे अपना बैलेंस भी शो हो जाएगा आप ना कोई किसी को पैसे सेंड करने हो वो भी कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पे का आप अपना पेयन का अकाउंट यहाँ पर लिंक कर सकते हैं और उसका अकाउंट के थ्रू आप जितने मर्जी यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह भी कर सकते हैं ये था प्रोसेस फैसल बैंक का अकाउंट ओपन करने का अगर आप इसके अलावा मिजान बैंक का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको मिजान बैंक की एप्लीकेशन है मिजान डिजिटल अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन आपने वो इंस्टॉल कर लेनी है उसके थ्रू आप अपना फीलान्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं इसके अलावा अगर आपने एस पी का अकाउंट ओपन करना है तो आप गूगल क्रोन पर जाएँ वहाँ जाकर लिखें एस पी अकाउंट आगे जो प्रोसेस है वो तकरीबन सबका सेम ही होता है आप उसको फॉलो करके अपना एच पी का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं इसी तरह से यू का अकाउंट भी आप ओपन करवा सकते हैं उम्मीद है आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा अगर आपको इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक के बटन पर क्लिक कर दें इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें थैंक यू सो मच